और अब बात करते हैं जबलपुर की, जहां नगर निगम मलेरिया उन्मूलन टीम के साथ मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत छात्रों ने जमकर मारपीट की। घटना मेडिकल छात्रावास कैंपस की है। दवा का छिड़काव कर रहे कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है। वारदात में 5 कर्मचारियों को गंभीर चोटें आई, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। मारपीट की घटना के बाद नगर निगम के कर्मचारियों ने गढ़ा थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि हाल ही में मलेरिया विभाग के साथ बैठक की गई थी, जिसे बताया गया कि मेडिकल कैंपस में डेंगू मलेरिया के लार्वा मिल रहे हैं और अगर ध्यान नहीं दिया गया तो यहां आने वाले समय में मलेरिया के केस भी बढ़ सकते हैं। जिसके बाद टीम मेडिकल क्षेत्र में दवा का छिड़काव करने गई। छिड़काव के दौरान ही छात्रावास में रह रहे छात्रों ने गाली गलौज करते हुए कर्मचारियों के साथ मारपीट कर दी। वारदात में नगर निगम के कर्मचारियों के हाथ पैर और पीठ में गंभीर चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। सूचना मिलते ही मौके पर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के साथ पुलिस की टीम पहुंची। वहीं नगर निगम के कर्मचारियों का कहना है कि जब तक मारपीट करने वाले मेडिकल छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की जाती, तब तक काम नहीं किया जाएगा। हालांकि मौके पर मौजूद अधिकारी नाराज कर्मचारियों को मनाने में जुटे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। हॉस्टल में दवाई डाल तो 4 लड़के जो दवाई डाल लगे, तो एक वहीं की डॉक्टर है, उन्होंने बोला इधर आके डाल भी दवाई। लड़कों ने बोला कि भैया हम डाल दे रहे दवाई है ना, तो बोला आ रहा कि नहीं आ रहा, मतलब खूब पटांग से बात किया और उसके ऊपर हाथ छोड़ दिया। ये बहुत गलत है, हम लोग सबकी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं और हमारे ही कर्मचारियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। विरोध करेंगे, हम ऐसा काम नहीं कर पाए।